फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्म भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंथा कैंड्रिक ने प्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और डी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियान ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइनटी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग इस मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे तो, में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेक्लान ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फ़ोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलॉन ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टाटा रायन ने, ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और डी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास हाँ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेक्लान ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा बनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टेरा बनेसा ने जेना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लियर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज देखना पसंद है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी YouTube की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्म भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पेरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियान ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन महायर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टैटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी YouTube की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग इस मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टेरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने, ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लियर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फ़ोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो तो ज़्यादा टाइम डा वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलॉन ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेक्लान ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा बनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की तो है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिगनेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जेना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए, चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्म भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पेरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियान ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग इस मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में, में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग इस मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टेरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने, ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने प्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलॉन ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पेरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और डी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेक्लान ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने, को, देखने को, को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा बनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग इस मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए तो, डायरेक्टर जा के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्म भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंथा कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फ़ोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और डी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलॉन ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा बनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग इस मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंग्टन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टेरा बनेसा ने जेना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ ओर और डी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोंग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए, चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फ़ोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलॉन ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पेरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और डी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड तो बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेक्लान ओ तो ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा बनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टेरा बनेसा ने जेना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टेनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्म भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का करेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वशिंगटन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस ने। का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टैरा टैटा रायन ने, ने। लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंथा कैंड्रिक ने प्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और डी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी की फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलान ब्रियान ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ तो की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइनटी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग इस मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिगनेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जेना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी YouTube की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिक्स बिणिक। बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेक्लान ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन वॉन्ग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा बशिंगटन का कैरेक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का कैरेक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का कैरेक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का कैरेक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का कैरेक्टर निभाया है अली टैरा टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का कैरेक्टर निभाया है एंड कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फ़ोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रेस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी जरूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2011 में रिलीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा लोग रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉन्ग टर्न फ्रो फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर के बारे में राइटर के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको पता चलेगा रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग बिगनिंग्स मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड बात करेंगे इस मूवी के फुल रिव्यू के बारे में आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ सबसे पहले टीम के बारे में बात की जाए डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को डायरेक्ट किया है डेकलन ओ ब्रियाइन ने एंड राइटर के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी को लिखा है डेकलॉन ओ ब्रियाइन ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है किम टॉड ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर आपको जैनी पुडाविक देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टैनिका डेविस देखने को मिल जाएंगे कैटलिन रॉ वोंग देखने को मिल जाएंगे टेरा भनेसा देखने को मिलेंगे विक्टर जेंक जूनियर देखने को मिलेंगे अरे डीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी आपको रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी में सनमाइटोग्राफ की है माइकल मार्शल ने एंड इस मूवी को एडिट किया है स्टेन माहिर स्टैंड ने एंड म्यूजिक किया है रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी का क्लाउड फॉइजी ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है सुमित एंटरटेनमेंट कॉन्स्टेंटिंग फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने एंड रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी थ्री मिनट्स एंड बजट की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग मूवी का बजट टू मिलियन डॉलर तक का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इसकी टीम के बारे में बजट के बारे में उसके आगे एक्टर्स के बारे में बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जैनी पुडाविक ने कैनिया पैरिन का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में टैनिका डेविस ने सारा वाशिंगटन का करैक्टर निभाया है कैटलिन वॉन्ग ने ब्रिग्नेट मनालो का करैक्टर निभाया है टैरा बनेसा ने जैना रिवर्स का करैक्टर निभाया है विक्टर जेंक ने केल पपस का करैक्टर निभाया है डीन आर्मस्ट्रांग ने डैनियल वर्लिंग का करैक्टर निभाया है अली टाटा रायन ने लॉरेन जॉन्स का करैक्टर निभाया है एंड सुमंता कैंड्रिक ने क्लेयर कैंड्रिक का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो रॉन्ग टर्न फोर ब्लडी बिगनिंग्स मूवी एक स्लैशर मूवी है अगर आपको हॉलीवुड सिनेमा के अमेरिकन सिनेमा के स्लैशर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर से देख सकते हो स्लैशर मूवी एक जॉनर है जिसमें आपको हॉरर मूवीज़ दिखाई जाती है किलिंग्स के रिलेटेड मर्डर से मर्डर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं सो तो अगर आपको वैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है डैकलन और ब्राइन द्वारा काफ़ी बढ़िया तरीके से रॉन्ग टर्न फोर मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है एक्ट्रस द्वारा भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यह मूवी पसंद है आई पर इस मूवी के आप रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं रॉन्ग टर्न फोर मूवी को आपको यह मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप टर्न ब्लडी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ और, और प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है आप इस मूवी को वहां पर आसानी से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी